मंदसौर से बड़ी खबर है कि यशपाल सिंह सिसोदिया सिटिंग एमएलए थे, संघ से जुड़े रहे हैं काफी लंबे अरसे से और बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं मालवा इलाके में। मंदसौर नीमच का जो इलाका है वहां उनकी खासी बैठ है। इसके बावजूद यशपाल सिंह सिसोदिया फेल हो गए इस चुनाव में और विपिन जैन कांग्रेस के पास हुए हैं। विपिन जैन को ठीक ठाक वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी मान के चल रही थी कि यशपाल सिंह सिसोदिया जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जबकि बीजेपी के पास लगातार इस तरह की शिकायतें जा रही थी कि यशपाल सिंह सिसोदिया का काम ठीक ठाक नहीं है, लोगों ने नापसंद कर रहे हैं। इसके बावजूद उन पर भरोसा जताकर बीजेपी ने गड़बड़ की। हालांकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत थे, बड़ी संख्या में बीजेपी के विधायक जीत के आए। यशपाल सिंह सिसोदिया के जीतने नहीं जीतने से बीजेपी की सेहत पे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का एक बड़ा नाम चुनाव हार गया है। विपिन जैन चुनाव जीत गए हैं। यशपाल सिंह की अगर हम बात करें बीजेपी के, तो उनको जो है 1,26,059 वोट मिले हैं। वहीं विपिन जैन को 1,41,037 वोट मिले हैं। मालवा का जो इलाका है ये गढ़ माना जाता है अभी बीजेपी का, और वहां अगर बीजेपी के लोग बीजेपी की प्रचंड लहर में हारते हैं तो ये समझा जाना चाहिए कि वहां आदमी के संग तमाम सारी तकलीफें थी या वो आदमी गड़बड़ था। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी हार है और ये चिंता का विषय बनने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करेगा कि आखिर क्या वजह रही कि यशपाल सिंह सिसोदिया चुनाव नहीं जीत पा रहे। विपिन जैन ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल करी है, क्योंकि यशपाल सिंह सिसोदिया आरएसएस में रहे, संगठन चलाने का अनुभव था, उसके बावजूद विपिन जैन उन पर भारी पड़े हैं, तो ये बड़ी जीत है पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए और खुद विपिन जैन के लिए भी। शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है मंदसौर, और मंदसौर के लोग बड़ी साफ बात करते हैं बिना लाग लपेट के। संघ के गढ़ में यशपाल सिंह सिसोदिया की हार ये साबित करती है कि मामला मालवा में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ाया है, और क्या चूक हुई है इस पर हम चर्चा के इस दौर को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।